मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षक भर्ती की आज की अपडेट में। शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग हुई तेज, पीएनपी पर प्रदर्शन। बहुत सारे हमारे मित्र साथी पीएनपी पर पहुंचकर प्रदर्शन किए और उन्होंने परीक्षा रद्द कराने की मांग की। पूरी अपडेट अभी आगे हम लोग इसमें देख रहे हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसको लेकर योगी जी सख्त हुए हैं। मित्र साथियों ने प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्रों ने शिक्षक भर्ती रद्द कराने और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही परीक्षा नियामक सचिव व बेसिक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की भी उन्होंने मांग की। इस अवसर पर आप यहाँ देख सकते हैं सुनील मौर्य, सुनील सिंह, रोहित पाल, आशीष पटेल और बहुत सारे हमारे मित्र साथी वहाँ पर उपस्थित रहे। और 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बार बार वहाँ पे आह्वान किया कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और शीघ्र अतिशीघ्र जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर हों और इस भर्ती को कैंसिल करा के पुनः परीक्षा की जाए, कराई जाए। और यहाँ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा होने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पर नौकरी करने वाले अभी 1427 शिक्षक सामने आ गए हैं और इनसे अब 900 करोड़ रुपए की वसूली होगी। किसी भी शिक्षा की न्यू माने जाने वाले बेसिक शिक्षा में इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों के साथ विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी सरकार की रडार पर हैं। प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट 3 जुलाई तक मांगी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। देश में स्पेशल टास्क फोर्स आगरा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बीएड की फर्जी डिग्री मिलने के बाद से जांच में लगी थी। यहाँ पर एसटीएफ को करीब 60% फर्जी डिग्री मिलने के साथ सनसनी फैल गई। इन्हीं फर्जी डिग्री की मदद से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग शिक्षक बनकर सरकारी स्कूलों में पहुँचे हुए हैं। 1427 फर्जी शिक्षकों में से 117 शिक्षक 50 करोड़ से ज़्यादा सैलरी के रूप में ले चुके हैं। ये सभी एटा के हैं और जहां से अनामिका शुक्ला प्रकरण भी सामने आया था। इन सभी फर्जी शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस मिलने के एक सप्ताह के भीतर पैसा जमा करने के लिए कहा गया है। इनका निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी काट दी जाएगी। इधर कासगंज में अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों में काफ़ी फेराफेरी पड़ गई है और परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का डेटा मानव संपदा पोर्टल और प्रेरणा ऐप पर भी अपलोड करने के बाद प्रदेश में सैकड़ों शिक्षक ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने पैन नंबर बदलकर वेतन भुगतान में फर्जीवाड़ा किया है। बाराबंकी में भी शैक्षिक अभिलेखों की जाँच में 5 शिक्षक और 1/4 शिक्षक कर्मचारियों के मामले सामने आए हैं जिनमें एक ही पैन नंबर पर अलग अलग नाम और अलग अलग खाता नंबर है। तो देखिए, पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में बेसिक शिक्षा में फर्जीवाड़ा होता रहा था, लेकिन इस बार जो फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह हैं उन्होंने इसको परमानेंट फर्जीवाड़ा बनाने का प्रयास किया। उन्होंने परीक्षा का पेपर आउट कराया, पेपर के बाद ओएमआर शीट में बहुत सारा परिवर्तन करवाया और फर्जी नंबर बढ़वा करके मेरिट लिस्ट में उन लोगों के नाम जुड़वाए। तो अब ये फर्जीवाड़ा करने वाले जो गिरोह हैं परमानेंट व्यवस्था दे रहे हैं 8 से 12 लाख रुपए लेकर के, जबकि पहले ये यूनिवर्सिटियों से फर्जी मार्कशीट बना करके काम हो रहा था। तो मित्रों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।